सरकार ने आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाकर उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पूरे प्रदेश की आशा वर्कर को अपने ट्वीट के जरिए ये संदेश दिया, जिसे आशा वर्कर काफी खुश नजर आई। लेकिन मन में कुछ संदेह लिए अनिल विज का धन्यवाद करने उनके निवास पर पहुंची। कल स्टेटमेंट जो स्वास्थ्य मंत्री ने जारी की थी, तो उस पे हमारे को जो कन्फ्यूजन सा था वो हम क्लियर करने के लिए यहाँ पर आए थे। कि जो स्वास्थ्य मंत्री ने बोला ना कि 1000 से बढ़ा के 4000 रुपये फिक्स कर दिए और डिलीवरी में 200 से बढ़ाकर 300 कर दिए, जबकि 1 तारीख ने जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में जो हमारा समझौता हुआ था उसमें ये हुआ था 1000 से बढ़ा के 3000 रुपये फिक्स और कुछ इंसेंटिव में 4000 रुपये फिक्स और कुछ इंसेंटिव में बढ़ोतरी की गई थी। कि टीकाकरण का जो हमें 150 रुपये मिलता है वो 250, HBPNC का 250 पे 350 और डिलीवरी के जो जर्नल की है उसके 200 रुपये मिलते थे तो उसके 300 और SC की 300 की बजाय 400 और जो हम गैप करवाते हैं उनमें तो ये पूरा समझौता हुआ था। और ये कहा था कि आशा वर्कर को भी NHM के दायरे में लाया जाएगा तो और आशा फैसिलिटेटर का जो केस चला हुआ है उसको हम वापस ले लेंगे और दोबारा से और आशा फैसिलिटेटर भर्ती करनी है, आशा फैसिलिटेटर को रखा जाएगा। तो पहले जो हमारी 618 है आशा फैसिलिटेटर वो तो एज इट इज रहेंगी और जो विभाग जो शर्तें लगाएगा वो ठीक है उसको हम मानते हैं और आशा वर्कर को NM को भर्ती करने के लिए वीटेज दी जाएगी। तो इन बात के ऊपर समझौता हुआ था। तो आज स्वास्थ्य मंत्री से मिलके ये क्लियर हुआ कि जो मैंने घोषणा की है वो उस दिन समझौता हुआ था वो एज इट इज है। तो इस समझौते से तो हम खुश हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ये बोल रहे हैं कि अभी आपकी फाइल CM ने पास की है और FD के पास गई हुई है, तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी जारी किया जाए ताकि हम अपनी जो मीटिंग बुला के एक निर्णय ले सकें। मीडिया से बात करते हुए विज ने कहा कि प्रदेश भर में कार्यरत आशा वर्कर के मासिक प्रोत्साहन राशि में लगभग 70% की बढ़ोतरी की गई है। तो इनका फिक्स्ड अलाउंस है वो पहले 1000 रुपये था जो कि बहुत कम था, हमने उसको बढ़ा के 4000 रुपये कर दिए हैं और मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति भी प्रदान हो गई है। बाकी भी जो इनके इंसेंटिव्स इनको मिलते हैं इनके इंसेंटिव बेस्ड वो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं, सारे इंसेंटिव भी बढ़ा दिए गए हैं। कुल मिलाकर इनको 60-70% का इजाफा इनके जो टेक होम है सैलरी है उसमें होगा। विज ने बताया कि आशा वर्कर की मासिक प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही डिलीवरी के प्रत्येक केस के लिए 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिए गए हैं। विज ने कहा जहां इससे आशा वर्कर को लाभ होगा वहीं राज्य सरकार को लगभग 76 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।